एक डराने वाली बात, और इन्होंने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट हो सकता है। आई होप आपने मेरे साउथ इंडिया के सारे व्लॉग्स देख लिए होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट सेइंग गुड बाय टू चेन्नई। अभी मैं हूँ चेन्नई में। आपने मेरा लास्ट व्लॉग अगर देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं चेन्नई में हूँ। अब मैं जा रहा हूँ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वहाँ से मेरी फ्लाइट है दिल्ली की। सो पूरा व्लॉग उसी के ऊपर होने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट पुलकेश स्वागत है मेरे नए व्लॉग में आपके अपने यूट्यूब चैनल चेन्नई गॉसिप्स पे। अभी मैं जा रहा हूँ इग्मोर मेट्रो स्टेशन। वैसे मैं कैब बुक कर रहा था बट किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ से मेट्रो अवेलेबल है डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो एयरपोर्ट तक जा रहे हैं तो जर्नी दिखा देंगे, कैब में तो जाते ही रहते हैं। तो मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ अभी मैं। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस अराउंड 500 meters, तो वहीं जा रहा हूँ। लगेज ज़्यादा है बस कोई बात नहीं, दिखाते मेट्रो की जर्नी भी टू एयरपोर्ट। फिलहाल मैं हूँ चेन्नई इग्मोर मेट्रो स्टेशन। ट्रेन देख रहे हो, इसी के जस्ट सामने है मेट्रो स्टेशन, और अभी मैं एस्केलेटर पर हूँ। और मेट्रो स्टेशन आने के लिए आपको वाया रेलवे ब्रिज आना होगा एंड 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है सिर्फ। तो मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम एयरपोर्ट के लिए। नीचे एस्केलेटर पर हूँ अगेन एंड शूटिंग अलाउड नहीं थी मेट्रो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेट्रो में आपको दो मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। आप जब एक स्टेशन आपको दिख जाएगा तो आप जब वहाँ उतरेंगे तो आपको वहाँ से 5-6 मिनट बाद आपको एक वो मिल जाएगी वहाँ से एक मेट्रो, जिसके लिए लाइन चेंज नहीं करनी पड़ती। मतलब नाम है सिर्फ कि लाइन चेंज करनी पड़ेगी बट ऐसा है नहीं। तो वो लाइन चेंज अब जब करेंगे आप सिर्फ उतरेंगे और दूसरी मेट्रो 5-8 मिनट में आ जाएगी, और अगेन आपने बोर्ड करना है एयरपोर्ट के लिए, जो आपको हार्डली 10-15 मिनट्स में आपको ड्रॉप कर देगी। एंड मैं आपको बता दूं कि मेट्रो में लगने वाले हैं आपको 1 to 1 hour अप्रॉक्स, और उस हिसाब से प्रिपेयर होके हैं। और एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुँचे। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आई, मैंने वेब चेक इन कर दिया है बट हमारा मेल पर वेब चेक इन नहीं आया, अभी तक बोर्डिंग पास नहीं आया, तो मेरे को 2 घंटे पहले आना पड़ा। अभी अप्रॉक्स 7:45 हो रहे हैं, मतलब 6:45, और मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या प्रोसेस है। मेरे साथ सब उल्टे काम मेरे साथ होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी चेन्नई मेट्रो इज़ द बेस्ट मेट्रो फॉर एयरपोर्ट। जहाँ कैब के हम 400 रुपये दे रहे थे, 350 तो दे ही रहे थे, बाकी पीक आवर से तो मतलब 300 रुपये तो है ही हैं, वहाँ पर हम 60 रुपीज़ में पहुँच गए। तो अभी मैं हूँ चेन्नई एयरपोर्ट पर एंड बोर्डिंग पास इज़ डन, सिक्योरिटी चेकिंग इज़ डन, एंड अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 2 पर। एंड यहाँ पर 25 मिनट हमारे एक्स्ट्रा लग गए, 20 मिनट लग गए, बिकॉज मैं जो GoPro के लिए 3M की टेप काटने के लिए सीज़र लाया था उसका इशू आ गया था। और एक डराने वाली बात, और इन्होंने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट हो सकता है। बस यार ये ना हो। चलो लेट्स सी, 7:40 हो गए, ऑल डन, बोर्डिंग पास डन, सिक्योरिटी चेक डन, गोइंग टू गेट नंबर 2। सो 7:56 एंड 8:30 बोर्डिंग स्टार्ट होगी एंड 9:30 की फ्लाइट है। तो अभी मैंने लिया है KFC से कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, फ्राइज, एंड एयरपोर्ट पर खाना हमेशा की तरह महंगा ही है। ये मील मुझे पड़ी अराउंड 500 रुपीज़। भूख लग रही थी यार, 2 घंटे हो रहे हैं अभी। एयर इंडिया में आई नो एयर इंडिया में मिलता है मील, बट अभी टाइम था 1.5 घंटा था, मुझे लेना पड़ा। तो मैं खा लूँ फिर बात करता हूँ। अगर आपने मेरे से पहले वाले ब्लॉग्स देखे होंगे ना, तो आपने देखा होगा जब मैं दिल्ली टू कन्याकुमारी ट्रेन जर्नी कर रहा था तो ये जैकेट थी मेरे पास जब पहनी थी, और अब मैंने ये निकाल रखी पहनी रखी। मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं जा रहा हूँ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर मैं बात करूँ चेन्नई के टेम्परेचर की, चेन्नई में इस टाइम टेम्परेचर है, इस टाइम 26 डिग्री अभी चेन्नई में है, दिल्ली में है 12 डिग्री, यहाँ 26 वहाँ 12, तो
ऑब्वियसली जैकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, और बहुत ठंड लगने वाली है। ठंड वैसे भी मैं मिस कर रहा हूँ, अरे यार ठंड वैसे भी मैं मिस कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया ठंड नहीं देखी। तो जैकेट निकाल ली, बस अब फ्लाइट की नोटिफिकेशन आए 10 मिनट और बस। गाइस ये किट मिली है, इसमें है एक मास्क, एक शील्ड एंड 5 सैनिटाइजर। एक दुखी होने वाली बात ये है, मेरी थी विंडो सीट और इसकी थी मिडल सीट, तो इसको पीपी किट पहननी पड़ेगी अब। और दिखाओ पीपी किट, दिखाओ जरा दिस वन। एक बार मैं शील्ड और मास्क लगा लेता हूँ, आवाज़ नहीं आ रही होगी अब। शील्ड एंड मास्क बोथ, फिर आर बोर्डिंग पास एंड वी आर अबाउट टू बोर्ड। आ गया विंडो सीट, मेरी फ्लाइट। अभी टाइम है 9, अभी टाइम है 8:50 यानी 8:50। राइस, चपाती, कर्ड, मिठाई एंड नैपकिन्स, स्पून एंड वाटर बॉटल। फाइनली वी हैव रीच्ड 12:14 हो रहे हैं अभी एंड वी हैव रीच्ड। गाइस से सीधा 10 डिग्री साउथ इंडिया, ऑसम। अभी ठंड ना कुछ ज़्यादा ही है, इतने ऐसा लग रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसी ठंड से मैं अभी कुछ दिन पहले गया हूँ, ऐसा लग रहा है वहीं रहता था। थैंक गॉड बहुत बड़ी टेंशन से बच गया यार। इधर कोविड टेस्ट हो रहा है, सिर्फ जो फॉरेन से आ रहे हैं इस टाइम, हम बच गए, हमारा नहीं हुआ। ओहो मज़ा आ गया यार इस ट्रिप में, साउथ इंडिया के ट्रिप में मज़ा आ गया। अब फटाफट बैग कलेक्ट करना है बेल्ट नंबर 2 से। That's all guys from this vlog and 12:34 पर मेरा लगेज आया है, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है इस टाइम। तो बस चलता हूँ यहाँ से, saying goodbye to Delhi International Airport. So this is Pulkit Nair signing off from Journey Gossips. If you like this content then do share, do comment, do subscribe. Bye bye.